नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज़ और इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत। देश शोक में डूबा है, 288 से अधिक लोगों की जान चली गई है, 1000 से अधिक लोग घायल हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज घटनास्थल पर पहुंचे, उन्होंने बालासोर अस्पताल भी वो गए, जो परिजन थे जो घायल थे उनका हालचाल जाना। प्रधानमंत्री ने कहा है कि इस घटना की पूरी जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इधर जो प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई है उसमें ट्रेन के हादसे का कारण मानवीय भूल सामने आया है, जिसमें ट्रेन के सिग्नल देने में गड़बड़ी की बात सामने आई है। इधर हादसे पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि इस देश का रेल मंत्री कौन है यह कोई नहीं जानता, लेकिन रेल बजट खत्म कर चेहरा चमकाने के लिए रेलगाड़ियों को हरी झंडी कौन दिखाता है यह सब जानते हैं। इतने बड़े रेल हादसे का दोषी कौन है, इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया था और उन्होंने इसमें संवेदनाएं जताई थी। लालू ने कहा था कि बालासोर रेल दुर्घटना में मृतकों के जो परिजन हैं उनके प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं तथा घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। इधर ममता बनर्जी भी घटनास्थल का दौरा किया। ममता बनर्जी ने कहा कि रेलवे विभाग उपेक्षित है, उन्हें यात्रियों की सुरक्षा और जान माल की सुरक्षा में कि कोई परवाह ही नहीं है। स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, जब मैं वहां थी तब टक्कर रोधी उपकरण लगाए गए थे, अगर ऐसे उपकरण लगाए जाते तो यह दुर्घटना नहीं होती। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी रेल हादसे पर गहरा दुख जताया है। बात अगर रेल हादसों की करें तो भारत में रेल हादसों का इतिहास काफी पुराना है। 6 जून 1981 को बिहार में एक बड़ी रेल दुर्घटना हुई थी, एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। तब मानसी से सहरसा जा रही एक ट्रेन जिसका नंबर 416DN था, उसके 9 में से 7 डब्बे पुल को तोड़ते हुए नदी की धारा में समा गए थे। इस हादसे में 800 लोगों की जान चली गई थी, आधिकारिक आंकड़ा 300 लोगों का था। कारण ड्राइवर द्वारा इमरजेंसी ब्रेक लगाया जाना बताया जाता है। वहीं 13 जनवरी 2022 को न्यू डोमोहानी रेलवे स्टेशन के पास बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस के डब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई थी। बात 8 मई 2020 की करें तो जालना और औरंगाबाद जिलों के बीच रेल की पटरियों पर सो रहे 16 प्रवासी मजदूर एक मालगाड़ी की चपेट में आ गए थे। वहीं 19 अक्टूबर 2018 को अमृतसर में दशहरा उत्सव देखने के लिए पटरियों पर खड़े दर्शकों की भीड़ में अचानक एक ट्रेन आ गई और ट्रेन के घुस जाने से लगभग 59 लोगों की मौत वहां पर हो गई थी और इस हादसे में 100 लोग घायल हुए थे। वहीं 19 अगस्त 2016 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के पास खतौनी में पूरी हरिद्वार कलिंगा उत्कल एक्सप्रेस पटरियों से उतर गई थी और इसमें कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई थी। आंकड़े और भी हैं, आंकड़ों की फहरिस्त काफ़ी लंबी है, मगर अब जो है इस पर सियासत शुरू हो गई है, सियासत तेज हो गई है, लगातार सियासत भी हो रही है, सियासी बयानबाजियाँ हो रही हैं और विपक्ष, पूरा विपक्ष एक सुर से इस्तीफे की मांग कर रहा है। वो इस्तीफा मांग रहा है कि जो रेल मंत्री हैं वो इस्तीफा दें। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। लालू प्रसाद यादव ने कुछ घंटे पहले ट्वीट किया जिसका जिक्र हमने यहाँ पर किया है। लालू ने साफ तौर पर इशारा किया है कि भाई रेलवे की कोई बात होती है तो उसमें आगे होते हैं प्रधानमंत्री, अपना चेहरा आगे करते हैं। कोई उद्घाटन होता है तो प्रधानमंत्री अपना चेहरा आगे करते हैं। रेल बजट जिसे रेल मंत्री जारी करते थे उसे खत्म कर दिया गया, उसे कंबाइंड कर दिया गया और दुर्घटनाएं जब होती हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन ले। तो एक बड़ा जो ट्वीट है, एक बड़ा बयान लालू ने दिया है और लगातार जो विपक्ष है वो इस्तीफे की मांग कर रहा है और इसके लिए सरकार को जिम्मेदार बताया जा रहा है। प्रारंभिक जो जाँच हुई है, प्रारंभिक जो जाँच रिपोर्ट आई है उसमें ये बात सामने आई है कि ये मानवीय भूल है, सिग्नल देने में कुछ गड़बड़ियां हुई और इसके कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। दूसरी एक चर्चा और भी हो रही है कि जो डिवाइस लगाए जाने थे वो डिवाइस नहीं लगाए गए थे। अगर वो डिवाइस लगाए जाते तो इस हादसे को संभवतः रोका जा सकता था। कई तरह की बातें हैं, कई तरह की चर्चाएँ हैं,
घटना बड़ी दुखद है। और इस वक्त हमारे साथ देवांशु मौजूद हैं और हम इनसे जानेंगे किस तरह की दुर्घटनाओं को कैसे रोका जा सकता था, इतने बड़े हादसे को कैसे रोका जा सकता था, क्यों भारत में इतने रेल हादसे होते हैं, आखिर इसकी जवाबदेही, आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है, कौन है इनका जवाबदेह, कौन है इनका जिम्मेदार। देवांशु बहुत बहुत स्वागत आपका इस चर्चा में। धन्यवाद। देवांशु, एक डिवाइस की बात आ रही है, कवच कहते हैं उसे, तो क्या है ये कवच? आप लगातार लिखते रहे हैं इन चीजों के बारे में, तो क्या है कवच डिवाइस? कवच बेसिकली है कि एक सिस्टम है, पूरा सिस्टम है, वो एक लगाया जाता है ट्रेनों में और डिब्बों में और इंजन में उसका इस्तेमाल होता है। और उसको क्या, वो क्या करती है ना कि लोको पायलट को बता देती है कि आप सिग्नल कूद चुके हैं और आपको, और उसके साथ साथ वो ट्रेन के लोको पायलट को ये भी बताती है कि आगे इसी ट्रैक पर कोई दूसरी ट्रेन खड़ी है। और इसमें इस कवच का ये फ़ायदा है कि ऑटोमेटिक जो है वो ट्रेन को रोक भी सकती है ये, और ऑटोमेटिक ये ब्रेक लगा सकती है ट्रेन पर, और लोको पायलट को तो ये बताती भी है, अलर्ट करती है, और अलर्ट खुद ब खुद वो ट्रेन को रोक देती है। एक डिस्टेंस वो रहता है कि एक डिस्टेंस पर इसको पता चल जाता है कि ट्रैक पर खड़ी है गाड़ी। तो क्या कवच से इस तरह के हादसे जो हुए हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ, ऐसे हादसों को टाला जा सकता है? मीडिया रिपोर्ट्स में तो कई तरह की बातें चल रही है, कुछ का कहना है कि कवच रहता तो रुक जाता, कुछ का कहना है कि कवच रहता भी तो भी नहीं रुक पाता, तो भी ये हादसा को नहीं टाला जा सकता था, और तरह तरह की बातें चल रही है। और कवच का जो कभी भी जब रेल हादसा होता है तो इस तरह की बातें होती ही है कि ये होता तो ऐसा होता, अगर ये नहीं होता तो ऐसा होता, लेकिन जो बेसिकली जैसा जो हादसा हुआ है तो कवच भी रहता अगर तो नहीं रुक सकता था ये हादसा, क्योंकि सिग्नल ही नहीं दिया गया था। देवांशु, जो खबरें आ रही हैं वहाँ से और जो प्रारंभिक जांच की जो रिपोर्ट आई है अभी, उसमें ये बात सामने आई है कि सिग्नल देने में गड़बड़ी हुई, यानी एक मानवीय भूल, एक बड़ी मानवीय चूक हुई और इतने लोगों की जान चली गई। जी, और उनका कहना है कि हमारी भूल नहीं है बल्कि ये जो टेक्निकल फॉल्ट, तो अब मानवीय भूल भी है और टेक्निकल फॉल्ट भी है, तो तमाम जो विषय हैं अब ये जांच का विषय है और जांच निश्चित तौर पे होगी। जैसा आज पीएम मोदी वहाँ पर पहुँचे तो पीएम मोदी का पहुँचना ही एक तरह से बहुत बड़ा ये मैसेज था और बहुत बड़ा संदेश उन्होंने दिया वहाँ। लेकिन जांच तो हमेशा होती है, जाँच इससे पहले भी हुई, अब भी हो रही है, इसके बाद भी अगर हादसे नहीं रुकते हैं तो उसके बाद भी होगी, लेकिन जाँच कोई नतीजे तक नहीं पहुँचती, जाँच के बाद फिर वही दुर्घटनाएँ। जी जी, हादसों का सिलसिला, सही बात है। और कहीं ना कहीं देवांशु जो है इस पे सियासत भी शुरू हो गई है, अभी कुछ घंटे पहले लालू ने ट्वीट किया है, लालू जी ने ट्वीट किया है, और उस ट्वीट को आप देखें क्या लगता है, उस ट्वीट को देखकर लालू यादव ने जो ट्वीट किया है तो सीधे सीधे वहाँ पर पीएम मोदी पे हमला किया है। और पीएम मोदी हमेशा से आगे रहते हैं और चेहरा ही है एक तरह से, जहाँ भी आप देखें तो पीएम मोदी का ही रहता है, तो विपक्ष भी जो टारगेट करती है तो पीएम मोदी को ही लेके करती है। आज पीएम मोदी खुद इसीलिए पहुँचे क्योंकि जब हरी झंडे वो दिखाते हैं तो जब कोई हादसा हो तो भी वो, उनका पहुँचने का वो दायित्व रहता है, उन्होंने ये चीज़ किया है, वो खुद वहाँ पर पहुँचे। हालांकि उससे पहले अश्विनी वैष्णव भी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, तमाम जो हैं अधिकारी थे, धर्मेंद्र प्रधान भी थे वहाँ पर, और उन्होंने इंटरव्यू वहाँ पर दिया। अस्पताल, वो कटक में अस्पताल में जो घायल हैं वहाँ पर, उनसे भी वो मिले। तो खैर, ये तो जांच और ये आगे का विषय है, राजनीति भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा पटना में, बिहार में काफ़ी ज़्यादा विपक्ष ने इस पर हमला किया है, जहाँ प्रधानमंत्री तक से इस्तीफे की लेने की बात कही जा रही है। रेल मंत्री तो इस्तीफे की बात है ही, और पहले भी रेल मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, हमारे नीतीश कुमार ने ही इस्तीफा दिया था एक समय जब इसी तरह की रेल दुर्घटना हुई थी, तो कहीं ना कहीं नैतिक जिम्मेदारी भी होनी चाहिए, बिल्कुल, नैतिकता के नाते बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अब ये गुम सा हो गया है। अब मतलब अब जैसे अब बृजभूषण सिंह का ही मामला है, तो इतने दिनों से इस्तीफे की मांग हो रही है लेकिन वो इस्तीफा नहीं दे रहे, तो पहले वो चीज़ देखने को मिलती थी कि राजनेता खुद और मंत्री जो है खुद अपने पद से इस्तीफा देते थे। प्रशांत किशोर ने बहुत अच्छी बात कही थी, लालकृष्ण आडवाणी का उन्होंने हवाला दिया था कि एक बस उनका नाम आ गया था उस चीज़ में, तो उसको लेके उन्होंने तुरंत ही इस्तीफा दे दिया था कि मेरा नाम है, आप पहले जांच कर लें, इसीलिए मैं अपने पद से इस्तीफा दे देता हूँ। तो निश्चित तौर पर पहले ये चीज़ होती थी, लेकिन अब वो चीज़ बिल्कुल देखने को नहीं मिलती कि कोई मंत्री हो या फिर कोई किसी पद पर हो, बड़े पद पर, और वो खुद से इस्तीफा दे दे नैतिक जिम्मेदारी को लेके। अब तो इतनी सारी बातें होती है फिर भी वो इस्तीफा नहीं देते, वो अपने पद पर बने रहते हैं।
तो दुखद है, बहुत ही दुखद है। दुर्घटना जिस तरीके से हुई है, हम तस्वीरें देख रहे हैं अभी भी, और जिस तरीके से वो तस्वीर हम देखते हैं, और ट्विटर पर तो बिल्कुल एक ट्रेंड ही चला हुआ है इस दुर्घटना को लेके, और जो तस्वीरें सामने आ रही है, जो वीडियोस हम देख रहे हैं, उसको देख के तो दिल बिल्कुल बिल्कुल भर सा गया है। और जो लाशों को देखा हमने, वो बिल्कुल दर्दनाक। ममता बनर्जी ने भी बड़ी बात कह दी है। ममता बनर्जी ने बिल्कुल बहुत बड़ी बात कही है। वो उसको लेके वो कह रही हैं कि उपकरण अगर उसमें लगाए रहते, हम अगर थे तो वहाँ पर टक्कर रोधी उपकरण लगाए गए थे, वो उसी कवच सिस्टम की बात कर रही हैं। रेल मिनिस्ट्री जो है, उन्होंने पुष्टि की है कि उपकरण नहीं लगाए गए थे। तो दुखद है। निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं अभी कि अगर वो उपकरण लगाए गए होते तो हो सकता था कि ट्रेन रुक सकती थी। लेकिन जो एक रिपोर्ट में देख रहा था, तो उसमें ये कहा जा रहा था कि अगर ये उपकरण लगाए भी गए होते तो भी ये हादसा को नहीं टाला जा सकता था, ये हादसा होता, क्योंकि दूसरे ट्रैक पर भी एक गाड़ी थी। मतलब तीन ट्रेन जो है वो कोलाइड हो गए हैं। मालगाड़ी पहले से खड़ी थी, और ये ट्रेन जो इसको इस पटरी पर जाना था, लेकिन वो इस पटरी पर बदल के नहीं, बल्कि इसी पटरी पर वो चलती रह गई और रुकी नहीं, और चढ़ते चली गई, और बगल में जो ट्रेन थी वो फिर आई उधर से और कोलाइड कर गई इस ट्रेन में। तो कुल मिलाकर 17 डिब्बों की वहाँ पर पलटने की सूचना है कि 17 डिब्बे पलट गए। तो आप समझ सकते हैं कि 17 डिब्बा अगर पलटे हैं, और वैसे भी आंकड़े जो हैं, सरकारी आंकड़े हमेशा कम रहते हैं, और जो रिजर्वेशन कराते हैं उन्हीं का तो एक लिस्ट रहता है, लेकिन ट्रेन में, भारतीय रेलवे में, तो आप जानते हैं कि रिजर्वेशन से ज़्यादा भी लोग रहते हैं, हमेशा रहते हैं, कोई भी ट्रेन आप ले लें तो उसमें रिजर्वेशन की बॉगी में भी रिजर्वेशन से ज़्यादा लोग रहते हैं, और जनरल का तो बात ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष जो है इसको लेके लगातार हमलावर बना हुआ है, हमला कर रहा है। बिल्कुल, एक मुद्दा उन्हें मिल गया है, नया मुद्दा मिल गया है। लेकिन इस बात से भी हम पल्ला नहीं झाड़ सकते कि सरकार की कहीं ना कहीं गलती है, और रेलवे मिनिस्ट्री को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। और अगर यहाँ पर रेल मंत्री खुद इस्तीफा दे देते हैं, तो हो सकता है कि ये जो है ये थोड़ा सा शांत हो जाए। वाकई देवांशु, आपने जो कहा कि जिम्मेदारी लेनी चाहिए, जिम्मेदारी बनती भी है, और इतने लोगों की जान, जो कि भारतीय रेलवे को बड़ा भरोसे का नाम कहते हैं कि भारतीय रेलवे भरोसे के साथ चलती है, आम लोगों के लिए सवारी है ये, और बहुत दिनों बाद इतना बड़ा हादसा हुआ है, काफी दिनों बाद। लेकिन हमने जैसा दिखाया कि हादसों का जो सिलसिला है वो लगातार थम नहीं रहा देवांशु, लगातार जो हम हादसे हैं वो लगातार हो रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है। आप समझ सकते हैं कितने लोगों की जान, यदि कितना परिवार, कितने लोग जुड़े हैं एक व्यक्ति से, कितना परिवार, उनका अपना परिवार जुड़ा होता है। तो ये हादसों का जो सिलसिला है, इसके रोकथाम के लिए उपाय होने चाहिए, इसके रोकथाम के लिए मिलजुल के एक प्रयास करने की जरूरत है, न कि सियासत करने की। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि अगर रेल दुर्घटनाएं हो रही हैं तो उसको लेके ऐसी सर्वदलीय बैठकें क्यों नहीं होती हैं, जिसमें पक्ष भी हो, विपक्ष भी हो, और एक नतीजा निकाला जाए कि ये हादसों का जो ये सिलसिला है वो रुक जाए, हादसों का जो सिलसिला है वो थम जाए, हादसे ना हो, हम हंसते मुस्कुराते सफ़र तय कर सकें, हंसते मुस्कुराते एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन से जा सकें, और भारतीय रेलवे भरोसे का एक बड़ा नाम बन सके। इस चर्चा में फिलहाल इतना ही, फिर कल मिलते हैं किसी खास मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त।